नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से बड़ी खबर आ रही है। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कोइलपुरा गांव में रविवार की रात को गांव के कुछ मनबड़ों ने शराब के नशे में एक महिला समेत दो लोगों की जमकर पिटाई कर दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि महिला तथा एक अन्य घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपियों की तलाश में जुट गई। वहीं घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष विकास यादव, अपर पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़ित पक्ष की ओर से बदामा पत्नी राम निहोर ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके गांव के ही राम सहाय, राम तिलक पुत्रगढ़ राम उजागीर, राकेश गिरजेश उर्फ बद्दू पुत्रगढ़ राम सहाय, विकास पुत्र मनोज, दीनानाथ पुत्र रामोद ने पुरानी रंजीश को लेकर उन्हें तथा उनके लड़के हरीश तथा भतीजे पप्पू भवानी भी पुत्र मोहनलाल को खटिया की पाटी व लाठी डंडों से गाली तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मारा पीटा, जिससे अस्पताल जाते समय भतीजे भवानी भी की रास्ते में ही मौत हो गई। लोहे का पाइप लेकर हमें मारने लगे। उसके बाद में हमारे भैया जा रहे थे पूछने कि क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। उसके बाद में वो 8-10 लोग थे, उनको एक मोटे डंडे से मार के पीछे से तुरंत वो गिर गए। उसके बाद में भी गिरने के बाद में भी वो लोग मार रहे थे और ऐसा मारे कि वो ख़त्म ही हो गए। अच्छा, कहें विवाद का जड़ क्या था जी? विवाद कहाँ हुआ? विवाद ये हुआ सर, वो दारू पी के आता है गांव में, सबको गाली देता है। दिन में बोल दिया उसी का बदला लिया। कैसे क्या घटना हुई? हमारे लड़के को मारते हैं भैया, छोड़ावे गए हम मारी नहीं। अब सब दौरा क्यों रहा रहे हमारे खाली ये दुई माई पिता रहे ना, और क्या नहीं जब गोहाल लगा तो सब दौरा। अब तो पप्पू भैया पहुँचे पहुँची ना, वरना दो हथे लठिया मारू लगे गिर पड़ी ने। और क्यों हमारे घर के रहबन की हजान करिए रहे ना मार करी हैं। कितने लोग घायल हैं आपके तरफ से? अब यही जाया चला गई, दो लोग घायल हैं, दो लोग घायल हैं। अच्छा, क्या नाम आपका है? राम बदामा। पुलिस ने तारीर के आधार पर उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ हत्या, मारपीट आदि विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर सरगर्मी से उनकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं घटना के संबंध में पूछे जाने पर अपर पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि शराब के नशे में हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत तथा दो घायल हुए हैं। मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं बस्ती से एक रिपोर्ट। कप्तानगंज में बदामा देवी ने एक FIR के चुनौती की लिखाई है कि भतीजे पप्पू की 6 लोगों ने रात को शराब के नशे में मारपीट की और मृतक के सर में एक डंडा लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर 300 का मुकदमा पंजीकृत हो गया है। मुकदमी की कोई बहुत बड़ी रजिश नहीं है। 10 दिन पहले एक छोटा सा झगड़ा इनके बीच में हुआ था और आज फिर शराब पी के ये मारपीट हुई है। पुलिस को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी। फिलहाल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई।